जो भी बड़े नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, वो यह चर्चा कर रहे हैं कि मऊ इस समय प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में है, यहाँ विकास तेजी से हो रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव जो यूपी सरकार के हैं वो यहीं से हैं, जो कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा है, मोदी करीबी यहीं से हैं, तो बोल रहे हैं मऊ में विकास की धारा बढ़ रही है। अगर विकास की धारा की परिभाषा ये है कि किसी पे फिर से उसको बड़ी कुर्सी दे दीजिए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो विकास की सच्चाई देखने हैं तो हम लोग जहाँ खड़े हैं देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक बना हुआ, यहाँ कीचड़ और पानी देखिए, यहाँ की सड़कों पर जाइए, यहाँ के लोगों से पूछिए, अस्पताल में खड़े अस्पताल का हाल देखिए, दवाइयों का हाल देखिए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि या तो आपको जानकारी नहीं है या आपको गलत जानकारी दी जा रही है, ये आपका अग्रिज जनपद है, आप यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए हैं, कल्पनाथ राय की धरती है, कल्पनाथ राय जैसे अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जनता से संवाद स्थापित करके सच का पता लगा लेते थे, आप उसे पता लगाइएगा तो आप दोनों को बहुत तकलीफ होगा कि आपका मऊ बहुत ही बुरी दशा में है, चाहे विकास के नाम पर हो, चाहे सड़कों के नाम पर हो, चाहे बिजली के नाम पर हो, चाहे अस्पताल के नाम पर हो, चाहे सरकारी दफ्तरों में लूट खसोट का मामला। अभी एक दो हफ्ता पूर्व ट्रामा सेंटर का उद्घाटन ए के शर्मा ने किया, आज बंद है ट्रामा सेंटर बगल सामने, अभी ये बात आप लोग बताइए, पहुँचाइए उनके पास। मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि उनके जो शुभचिंतक लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको सच बताएं। जब नीचे के लोग जाकर वाहवाही करते हैं, ऊपर वाला नीचे का सुध नहीं लेता है, तो यही आपको देखने को मिलता है। उद्घाटन करिए बंद कर दें, क्या मतलब हुआ इस उद्घाटन का, क्या मतलब हुआ? आपने ये भी देखा कि मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये तो गनीमत है कि अभी तक गिरा नहीं, जैसे बुंदेल एक्सप्रेसवे का हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकास की यही परिभाषा है, कुछ चंद लोगों को बड़ी पुष्टि दे दो, विकास हो गया। इस परिभाषा को समाजवादियों को समझ में आया। मऊ के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पूछा गया कि बिरटोलिया गांव बह रहा है, कटान लगातार हो रहा है, तो बोले कि इस पर बात करने का समय नहीं है। नहीं नहीं, वो लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले हैं, इस पर बात करने का समय नहीं है, बेरोजगारी पर बात करने का समय नहीं है, महंगाई पर बात करने का समय नहीं है, लोगों पर हो रहे अत्याचार की बात करने का समय नहीं है। उनको पता है बस चुनाव तक 24 तक हिंदू मुसलमान करते रहो, एक बड़े वर्ग को लाभबंद करो और अपना उल्लू साफ करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि अंग्रेजों से पोलिटिकल डीएनए इनका आया, तो चालो राज करो, लेकिन हर चीज़ का होता है श्रीलंका चालक देख रहे हैं ना। सच्चाई ये है कि हम लोग कुपोषण में, हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश नेपाल से भी नीचे हैं, ये सबके लिए सब की बात है। देश का बच्चा और नौजवान भूखा हो तो देश का विकास।